जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब भी हमारे मन में कोई थॉट आता है तो गुरु जी उसको कैसे पूरा करते हैं, गुरु जी हमें कैसे आंसर्स दिखाते हैं, कैसे नए नए रास्ते दिखाते हैं और कैसे हमारी हर पल हेल्प करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से गुरु जी से बात नहीं हुई थी इस माध्यम से, तो सोचा आज एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ। वैसे गुरु जी से तो बात रोज़ ही होती है, हर पल होती है, मन में होती है, पर कई बार गुरु जी का शुक्राना करना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए इतना करते हैं, इतना हमारा ख्याल रखते हैं, तो उनकी बड़ाई करनी बनती है, उनका थैंक यू बनता है सबके सामने। मन में तो हमेशा ही थैंक यू करते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है, दो दिन पहले का। मैं रोज़ रात को गुरुजी को गुड नाइट करके सोती हूँ, तो मैं गुरुजी के आगे उनके स्वरूप से बातें कर रही थी, तो मैंने ऐसी गुरुजी से बात करी कि गुरुजी बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए, किसी रूप में आके मुझे दर्शन दे दो ताकि मैं आपकी प्रेजेंस और नज़दीक से फील कर सकूँ। तो अगले दिन ये बोल के मैं सोने चली गई। अगले दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मेरे पास एक चटक लाल प्लेन टी शर्ट है। बहुत दिन बाद मेरा मन किया कि मैं वो टी शर्ट पहन के ऑफिस जाऊं। पता नहीं क्यों, शायद नवरात्रि चल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो माता रानी के नाम से एक लाल टी शर्ट पहन ली जाए। तो मैं पहन के गई, अगले दिन काम किया। जब मुझे आना था, मेरा घर एक्चुअली ऑफिस से बहुत दूर है, तो कई बार आने के लिए मुझे कभी ऑटो कभी कैब सोचना पड़ता है, क्या लूँ, कितना टाइम लगेगा। कभी कभी मेरे ऑफिस से घर तक ऑटो सीधा मिलते भी नहीं है, मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। पर बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन मुझे फटाफट 2 मिनट में ऑटो मिल गया, और इतने कम रेट पे मिला कि मैं खुद हैरान हो रही थी। और जब मैं पहुंची तो और वो ऑटो ना थोड़ा मेरे लोकेशन से आगे चला गया था, तो कई बार जब वो ऑटो आगे चले जाते हैं तो वापस आने में नखरे मारते हैं, पर ये जो ऑटो वाले अंकल थे वो इतने स्वीट थे, वो वापस आए, उन्होंने आके मुझे बोला मैं आपके ऑफिस के ही आगे वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। फिर मैं गई और मैंने देखा कि वो अंकल जी पूरे लाल चोले में थे, मतलब उन्होंने एकदम चटक लाल कुर्ता धोती, मतलब जैसे ऑटो वालों की यूनिफॉर्म होती है वो वैसे दिख ही नहीं रहे थे, बड़ा सा टीका लगाया हुआ था उन्होंने। और मैंने बोला ये तो गुरुजी हैं आज मुझे लेने आए हैं, ये तो कोई और है ही नहीं, मैंने गुरुजी को बोला था मुझे दर्शन दो, तो वो आज इसी रूप में मुझे आ गए कि बोल रहे हैं चल तुझे घर तक छोड़ के आता हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं मन ही मन थैंक यू कर रही हूँ कि अरे वाह गुरुजी, आप मुझे आज छोड़ने आ गए, आप और मैं तो ट्विनिंग कर रहे हैं आपके, और मेरे कपड़े भी एक जैसे हैं। और फिर आप मानोगे नहीं, थोड़े दिन पहले मैं अपनी किसी एक ऑफिस की कलीग से ही पूछ रही थी कि भाई एक ना रास्ता है जो घर की तरफ जाता है जो कि शॉर्टकट है, तो तुम्हें उसके बारे में पता है क्या? तो बोलती नहीं मुझे तो नहीं पता। और आप मानेंगे नहीं, शायद गुरुजी ने मेरी वही बात सुन ली कि वो ऑटो वाले अंकल मुझे उसी छोटे रास्ते से लेके गए, और आई वाज लाइक कि अरे वाह ये अंकल ने मुझे रास्ता दिखा दिया, मतलब उन्होंने सही में मेरी बात सुन ली थी कि चलते को इतनी तकलीफ होती है तो चलते को ये रास्ता भी दिखा देता हूँ, और अब से तो इस रास्ते से घर जाना। और आप मानोगे नहीं, मुझे वहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, और जिस रास्ते में मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं उस दिन मैं 1.25 घंटे में घर आ गई, और ऐसे लग रहा जैसे मेरा ऑटो हवा से बातें कर रहा था, कहीं नहीं रुका, कुछ नहीं हुआ। और उसी दौरान थोड़े दिन पहले ना मुझे गुरुजी का एक सत्संग आया था कि पुत्र पानी पिया कर, पानी बहुत ज़रूरी होता है, हर दवाई हर बीमारी का इलाज पानी होता है। तो मैं वैसे ही पानी पीने की कोशिश करती हूँ, और मैं मन ही मन एक दिन सोच रही थी कि अरे आजकल काम के बिजी रहते हुए पानी भी कम पी पाते हैं, तो उसी टाइम उनका मैसेज आया था कि पुत्र पानी पिया कर, पानी बहुत ज़रूरी होता है। और उस टाइम जब हम ऑटो में बैठे थे तो साथ में एक बाइक में अंकल हैं, तो वो पानी पी रहे थे, तो उनको मेरे साथ जो अंकल गुरुजी ऑटो चला रहे थे बोलते हाँ हाँ पानी पिया करो, पानी बहुत अच्छा होता है।
तो मुझे लगा जैसे ये सेम मैसेज वो दे रहे हैं, और वो हर किसी को ऑटो से बाहर देख रहे थे, जैसे अपनी आंखों से हर किसी को ब्लेस कर रहे हो। और कई बार जैसे हमें सामने के शीशे में उनकी शक्ल दिख जाती है, तो पर इन गुरु जी जो ऑटो वाले थे और उनका नाम भी गणेश था, मतलब मैंने सोचा अरे और ये क्या, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि गुरु जी आए हैं, उनका नाम गणेश है। मैं उनकी आंखें ही नहीं देख पा रही थी, मतलब इतना उसमें तेज था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सामने नज़र उठा के उनको देख पाऊँ। और मतलब जब हम जा भी रहे थे ना, तो साथ में बच्चों की एक वैन जा रही थी स्कूल के, वो हमें देख के हंस रहे हैं कि अरे देखो ये दोनों लाल लाल कपड़ों में कहाँ जा रहे हो। बच्चे भी वो देख के हैरान हो रहे थे कौन ऑटो चला रहा, बोलते हैं आंटी आप कहाँ जा रहे हो। मतलब मुझे इतना ना सरियल सी फीलिंग आ रही थी, जैसे ये सब असलियत में नहीं हो रहा है। और मतलब मैं ना थोड़े दिन पहले सोच रही थी कि गुरुजी, मैं पहले हर संडे आपसे मिलने आती थी बड़े मंदिर, अब तो ऑफिस भी मेरा सैटरडे को होता है, कई बार तो आने की इतनी थकान हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी ने बोला तू चिंता मत कर, मैं तुझे हर तरीके से ब्लेस कर रहा हूँ, तू ज़्यादा सोचा मत कर, और मैं ही तेरे को घर लेके जाऊँगा, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू मंदिर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं हूँ तेरे साथ। और जब मैंने ऑफिस जाना शुरू किया नए वाले, तो यहाँ पे घर पे भी, मतलब पहले मेरे पेरेंट्स थे, फिर वो चले गए, फिर जब मेरा बेबी रहता है घर पे, तो मुझे बड़ा ही टेंशन होती है कि अरे अकेला है कैसे रहेगा क्या होगा। तो मुझे गुरुजी हर वक्त ये कॉन्फिडेंस देते हैं, तू चिंता ना कर, मेरी नज़र है तेरे घर पे, मेरा नज़र है तेरे परिवार पे। तो थैंक यू गुरुजी, मुझे पता है कि आप हो, आप सब देख रहे हो, बस यहाँ पे थैंक यू सबके सामने बोल के मन को ही अच्छा लगता है, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए। फिर थोड़े दिन पहले मेरी दीदी बॉम्बे के बड़े मंदिर गई, उनके इतने अच्छे दर्शन हुए। वो उस दिन जब ये ऑटो वाली राइड हुई, उस दिन 7 तारीख थी, तो मुझे मैसेज भी आया था कि मुझे 7 तारीख की स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा। तो थैंक यू गुरुजी, 7 तारीख को ही मुझे दर्शन देने के लिए, 7 तारीख को दीदी को बॉम्बे के बड़े मंदिर बुलाने के लिए। उसके 2 दिन पहले जब मैं सोच रही थी कि गुरुजी मैं मंदिर नहीं आ पाती, आपके दर्शन नहीं होते, तो मेरी दीदी को ड्रीम में दर्शन हुए थे। उन्होंने देखा कि एक सोसाइटी है, वहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं, बोलती है चल देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, बड़ी आवाज़ आ रही है, अच्छा सा लग रहा है, हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गुरुजी का स्वरूप है और लोग बैठे हुए हैं, और मैं और दीदी साथ में जाते हैं। तो उन्होंने बोला अरे ये तो हमने ड्रीम में सत्संग अटेंड कर लिया, तो गुरुजी आपने उनके थ्रू मुझे ड्रीम में ब्लेसिंग दे दी। थैंक यू हर वक्त हमारा हर चीज़ में ध्यान रखने के लिए, हर पल हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए, अपना हाथ हमें देकर साथ चलने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू, वी लव यू गुरुजी, बहुत बहुत आपकी हमारे ऊपर मेहर है, हमेशा बनाए रखना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑलवेज गुरुजी, कीप ब्लेसिंग अस, कीप लविंग अस, कीप गाइडिंग अस, कीप अस ऑन द राइट पाथ। थैंक यू सो मच गुरुजी, वी लव यू। मैं मंत्र जाप के साथ अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमारी हेल्प के लिए किसी को भी हमारे पास भेज देते हैं, क्योंकि जब हमारी उसमें कोई भलाई हो रही होती है तो गुरुजी हमें रास्ता दिखा ही देते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुजी हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील करा ही देते हैं। हमें बस गुरुजी के इशारों को समझना आना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।